भाई वन इलेक्शन वन नेशनची संपूर्ण पूर्तता जी आहे ती मंत्रिमंडळाकडनं या संपूर्ण निर्णयाला ग्रीन सिग्नल भेटलाय. यावरती विरोधक जे आहेत ते टीका करतात की या देशात लोकशाहीच सरकार टिकवून देणार नाही. तुमची भूमिका काय आहे? आमची भूमिका नाही, ही आमची भूमिका ही पक्षाची भूमिका असेल. अर्थातच प्रस्ताव आमच्याकडे आलेला नाही, आम्ही पूर्णपणे तो वाचलेला नाही. आणि एका सशक्त लोकशाहीमध्ये सगळ्या इलेक्शन एका वेळेस कसा घेणार हा एक मोठा प्रश्न आहे. त्याच्यामुळे जोपर्यंत पूर्णपणे प्रस्ताव आमच्याकडे सरकार देत नाही त्याच्यावर चर्चा कशी करणार आहे? अर्थातच प्रत्येक पक्षाला आणि कार्यकर्त्याला त्यातला आपला नेता आणि आपला पक्ष मोठा व्हावा याच्यात गैर काय. महाविकास आघाडीमध्ये मुख्यमंत्री पदावरून रस्सीखेच नाही का? ज्या पद्धतीने ठाकरेंच्या इकडून संजय राऊत रोज उठून बोलतात की मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा हा उद्धव ठाकरेच होतील आणि दुसरीकडनं काँग्रेसची रस्सीखेच सुरू आहे, यामध्ये राष्ट्रवादीची भूमिका काय? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका आदरणीय पवार साहेबांनी 2 आठवड्यापूर्वी केलेली आहे. आम्ही कुठल्याही रेसमध्ये नाही. आम्ही पूर्णपणे महाराष्ट्रामध्ये आज सगळ्यात मोठी आव्हानं आहेत म्हणजे महागाई, बेरोजगारी, प्रचंड भ्रष्टाचार या सरकारचा, आणि महाराष्ट्रातला अपेक्षित असा विकास होत नाहीये. त्याच्यामुळे सर्वसामान्य मायबाप जनतेची सेवा करण्यासाठी पूर्ण ताकदीनी या ट्रिपल इंजिन सरकारच्या अपयशाच्या विरोधात महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानासाठी आम्ही ताकदीने लढतो. अजित पवार म्हणतात की विकास बारामतीच्या लोकसभा पराभवानंतर अजित पवारांनी वक्तव्य केले की लोकांनी बोलल्यावरतीच विकास कामं केली पाहिजे, तेव्हाच लोकांना कुठेतरी जाण राहते. उगच न सांगितल्यावरती अजितची विकास कामं केली तर लोकांना त्याची काही जाण उरत नाही, अशा पद्धतीचं एक खंत करणारं वक्तव्य त्यांनी केलं. ऐकलेलं नाही. महाविकास आघाडीच्या अतिशय उत्तम पद्धतीने चर्चा चाललेली आहे. मी राऊत साहेबांचंही स्टेटमेंट तुम्ही सकाळी ऐकलं असेल आणि महाविकास आघाडीचे सगळे नेते एकदा सगळं डिटेल झाल्यावर तुम्हाला सांगतील. आधी मराठा आणि आता ओबीसी एकाच ठिकाणी एकमेकांसमोर आंदोलनं उभा राहिली आहेत, खरं तर तणावाची परिस्थिती कुठेतरी पाहायला मिळते काय नेमकं? विरोधक म्हणून देखील भूमिका असणारे कारण खूप टेन्स दिसतोय, त्या एकाच ठिकाणी सगळी आंदोलनं एकत्र होत आहेत. आता आहे त्या ट्रिपल इंजिन खोक्या सरकारचं अपयश आहे. सातत्याने अनेक समाजांची फसवणूक, म्हणजे धनगर समाजाला पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देऊ हे तुमच्याच चॅनलवर मी पहिल्यांदा पाहिलं होतं, आमच्या घराच्या बाहेर येऊन बोलले होते. 10 वर्ष त्यांचं सरकार आहे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत. काय झालं धनगर समाजाच्या आरक्षणाचं मिळालं? आणि सगळ्यात जास्त धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी कोण संसदेत बोललं असेल तर तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे. त्यामुळे मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम आणि भटक्या विमुक्त समाजाला पूर्णपणे भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्र पक्षांनी फसवलेलं आहे. इलेक्शन आलं की ते आरक्षणाचा शब्द देतात, एकदाच सत्तेत बसले की ते आरक्षणावर चर्चा करत नाहीत, मोठ्या मोठ्या मीटिंग्स घेतात, त्याच्यात सगळ्यांना एकत्र घेत नाहीत. महाराष्ट्रात एक बोलतात, दिल्लीत एक बोलतात, कारण कुठलंही आरक्षण देण्यासाठी त्याला कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट करावं लागेल. प्रस्ताव दिल्लीला का नाही जात? अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाचे विषय येतात, त्याची बिलही आम्ही पास केलेली आहेत. मग महाराष्ट्रात काय अडथळा आहे की हे प्रश्न दिल्लीपर्यंत नाही पोहोचत? अजित पवारांनी नितेश राणे यांच्या संदर्भात अमित शहांकडे तक्रार केली आहे, सेक्युलर पक्ष आपला चालवता येईल असं देखील त्यांना आश्वासन मिळाले. आधी सोबत होते मात्र आता एकत्र असताना देखील त्यांच्याच काही नेत्यांबद्दल तक्रार करावी लागते, काय वाटतं? तो त्यांच्या युतीचा अंतर्गत प्रश्न आहे, पण मला काही आश्चर्य वाटत नाही, कारण का हे सगळी नाती कॉन्ट्रडिक्शनची आहे. आणि खर तर त्यांनी काय करावं तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. पण गेली 18 वर्ष मी भारतीय जनता पक्ष त्यांच्या मित्र पक्षांचे कसे वागतात हे फार जवळून पाहिलेले, त्याच्यामुळे मला काय आश्चर्य वाटतं. मुख्यमंत्री झाले ही तेव्हाची गरज होती असं संजय राऊतांना म्हटलं, आगामी काळामध्ये महाविकास आघाडीचे आमचे नेते जे वक्तव्य करतात
ही फार विचार करूनच लोकांच्या मनातल्या गोष्टी आणि अर्थातच आमच्या आघाडीमध्ये चर्चा करूनच होत असतात. पण प्रत्येक पक्षाला एका सशक्त लोकशाहीमध्ये मतं मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्याच्यात गैर काय जर मांडलं तर नाही. तिसऱ्या आघाडीची चाचपणी देखील राज्यात होताना पाहायला मिळते. कुठेतरी तिसरी आघाडी ही सरकार पुरस्कृत आहे का असं तुम्हाला वाटतं? आता आघाडी झाल्यावर बघूया कोणकोणत्या आघाडीत आहे, बघूया. त्याच्या आधीच कशाला काय आपण म्हणतात? नितेश म्हणतायत एक दिवसाची पोलिसांना सुट्टी द्या, मग मी पाहतो जिहाद्यांना कशा पद्धतीनं देशाबाहेर दुसरा दिवस दुसरी दिवस सकाळ बघणार नाही. रामकृष्ण हरी एवढंच मी म्हणू शकतो. पण जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट में मंजूर हो चुका है, हालांकि वो शीतकालीन सत्र में आएगा, उसमें डिबेट होगी, क्या आधिकारिक भूमिका है आपकी? लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है? देखिए, एक तो पूरा बिल सरकार ने हमें भेजा नहीं है, तो जब तक पूरा बिल नहीं आए उस पर टीका टिप्पणी करना योग्य नहीं होगा. लेकिन एक सशक्त लोकतंत्र में सारे इलेक्शन एक वक्त में कैसे लिए जा सकते? कुछ फॉर्मूला तो सामने आए, उसके पहले कैसे कुछ बोल सकते? लेकिन एक सशक्त लोकतंत्र में थोड़ा सा मुश्किल लगता है. जिस तरीके से कोविड समिति ने पूरा स्टडी किया है, काफी देशों की स्टडी है, और कह रहे हैं कि इसकी पहले 100 दिन के बाद विधानसभा हो जाएगी, मतलब एक साल विधानसभा हो तो 100 दिन के बाद लोकल बॉडीज हो जाएगी. महाराष्ट्र की स्थिति है कि अभी तक कई सालों से लोकल बॉडीज की इलेक्शन ही नहीं हुई, ये वस्तु स्थिति है. ये हकीकत है. हकीकत तो है कि ये सरकार इलेक्शन लेने से डरती है. दो ढाई साल से महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद की इलेक्शन नहीं हुई है. आज आम आदमी जाए तो जाए कहां? और आप देख रहे हैं कि इलेक्शन ले सकते थे, लेकिन ये इलेक्शन लेने से डरती है सरकार. देखिए, इतने सालों से महाराष्ट्र का इलेक्शन हरियाणा के साथ हुआ करता था. इस साल उन्होंने महाराष्ट्र का और हरियाणा का इलेक्शन साथ में क्यों नहीं लिया? क्योंकि सरकार डरती है और उनको पता है वो हारने वाले, शायद डरती होगी. पहले दौर के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह का चुनाव चल रहा है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, दोनों साथ में है, लेकिन इनका एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का है. वो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का हवाला देते हुए कहते हैं कि 370 फिर लागू करना चाहते हैं, 35 फिर लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे रहते हुए चीज नहीं होगा. इनका सारा एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है. ये बहुत दुख की बात है कि मैं बड़ी विनम्रता से कहती हूँ, क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री है, बड़े ओहदे पे, उम्र से भी बड़े हैं और ओहदे से भी बड़े हैं, लेकिन बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहती हूँ कि दुख होता है जब इस देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये सारे लोग कभी ना कभी उनके साथ उनके संबंध रहे हैं और उनके साथ सरकार में भी रहे, भले केंद्र में हो या राज्य में हो, सारों के साथ उन्होंने कभी न कभी अलायंस में काम किया हुआ है. तो दुख होता है हमें कि राजनीति के लिए जिस तरह से आज इतने बड़े ओहदे पे जो प्रधानमंत्री कहते हैं, इसका दुख हमेशा रहता है. आज हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी पे जिस तरीके से महाराष्ट्र में जिस तरीके भाषा का और आक्रामकता का उपयोग कर रही है बीजेपी या शिवसेना के लोग, आज आंदोलन किया गया सड़क पर उतरे कांग्रेस के लोग, खुद खड़गे जी को भी पत्र लिखना पड़ा प्रधानमंत्री को कि उनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है. नहीं नहीं, बिल्कुल है ही. जिस तरह से ऐसी राजनीति तो हमने कभी देखी भी नहीं, और जिस तरह से राहुल गांधी जी जो सत्ता में है, उनके नेता जिस तरह से ऐसी भाषा जिस तरह से बोलते हैं, ये बहुत दुख की बात है. और हमारा महाराष्ट्र और भारत बड़ा संस्कारी है, ये हमारे संस्कारों में पता नहीं है कहाँ से लोग आए और क्या बोलते रहते हैं. ये दुख की बात है कि राजनीति एक तरफ, लेकिन जिस तरह जो वक्तव्य इनकी तरफ से आ रहे हैं और कोई उनको कुछ कह नहीं रहा है, ना कुछ क्लैरिफिकेशन आ रहा है, ना कहा जा रहा है कि गलती हो गई, क्योंकि ये बहुत गंदी राजनीति आज महाराष्ट्र में हो रही है. बहुत दुख की बात है और महाराष्ट्र को शोभा नहीं देने वाली. राहुल गांधी के खिलाफ हरियाणा से इस तरह की बातें हों या फिर महाराष्ट्र में हो, क्या ये सोची समझी राजनीति का हिस्सा आपको लगता है कि टारगेट जान किया जाए? हो भी सकता है. राहुल जी एक उभरते मेहनती इस देश के बड़े नेता है, और उनके खिलाफ उनके बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो बस यही शुरू कर दिया. क्योंकि उन्होंने कभी भी आप सबको पता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं और आज तक उन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाए, और जब भारतीय जनता पार्टी है पहले भ्रष्टाचार का आरोप करती है,
उसके बाद दो फॉर्मूला थे, एक वॉशिंग मशीन में डालिए और उनको अपने पार्टी में लीजिए, नहीं तो उनके संगठन में हो जाते मंत्री, नहीं तो जेल में डालो खोटी झूठी झूठी केस करके। हम सबको इसकी आदत हो गई। आतिशी मालेना मुख्यमंत्री होंगी, शपथ विधि होगा, इस तरह की देखते हैं कि महिला मुख्यमंत्री तीसरी बार दिल्ली। आतिशी एक बहुत विद्वान और अच्छी औरत है, मैंने बहुत उनके साथ काम करने की बहुत तारीफ, हमने साथ काम किया है दोनों ने, और इंडिया अलायंस में आतिशी जी एक बहुत सत्कारी और अच्छी महिला है। लेकिन दुख एक बात का हमेशा रहेगा कि हमारे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आतिशी जी तब तक बहुत अच्छा काम करेगी और बड़ी ताकत से दिल्ली की सारी जनता फिर एक बार अरविंद जी के साथ खड़ी रहेगी और फिर 5 साल वो मुख्यमंत्री बनेगा। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से मेट्रो का दौर चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, पिछली बार भी ऐसी दौर चलता रहा लेकिन काफी लेट हो गया और उम्मीदवारों के नाम का चयन करने में डिक्लेयर करने में वक्त गया, ये वक्त इस बार भी जाता हुआ था लग रहा है। कब हुआ था डिले हुआ प्रोसेस? लोकसभा का रिजल्ट याद है आपको? लोकसभा में आपने हमारा रिजल्ट देखा, और बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की जनता ये बहुत दूर से शांति से देखती है और वो देख रही है, क्योंकि उनको पता है इस 2.5 सालों में जिस तरह से पार्टियां तोड़ी गई, घर तोड़े गए, और जिस तरह से अन्याय उद्धव जी और आदरणीय पवार साहब पे किया गया है, उसके खिलाफ पूरी ताकत से स्वाभिमानी मराठी लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे, और महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र की माए बाप जनता की सेवा करने के लिए जरूर जल्द से जल्द आप देखेंगे काम के लिए। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।